हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वीडियो को अपलोड कैसे करें। दोस्तों, हर किसी का सवाल है कि वो वीडियो भी अच्छे बनाते हैं, थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, एडिटिंग भी अच्छी करते हैं, फिर भी उनके व्यूज़ क्यों नहीं आते। दोस्तों, उनके व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि वो आज भी उसी पुराने तरीके से वीडियो को अपलोड करते हैं, जबकि यूट्यूब बार बार अपडेट करता रहता है। तो हमें भी उसी तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे कि हमें अच्छे तरीके से किस तरीके से वीडियो को अपलोड करें ताकि हमारे अच्छे से व्यूज़ आ सकें। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद में हमको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो ऊपर प्लस वाला आइकन दे रखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी आपका वीडियो जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये वीडियो यहाँ से अपलोड करना है। अब दोस्तों, जो पेंसिल वाला आइकन दे रखा है इस पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना थंबनेल सेट करेंगे। तो मैं यहाँ से अपना थंबनेल सेट कर लेता हूँ। जैसे मेरा ये टॉपिक है, गैलरी से डिलीट हुए फ़ोटोज़ को चुटकियों में वापस कैसे लाएं। तो इसको मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमको हमारा टाइटल लिखना है, जो भी अपना वीडियो है, जिस भी टाइटल पे। जैसे कि मेरा ये वीडियो है गैलरी से डिलीट हुए फ़ोटोज वापस कैसे लाएं। ठीक है दोस्तों, हमको इतना सा ही काम करना है। अभी ओनली हमको इतना सा ही काम करना है। और यहाँ पर विजिबिलिटी के अंदर यहाँ पे हमको अनलिस्टेड कर देना है, मेरा ऑलरेडी अनलिस्टेड है। और यहाँ से हमको कर देना है अपलोड वीडियो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो की अपलोडिंग चल रही है। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये वीडियो हमारा अपलोड हो जाए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहाँ से अपलोड हो चुका है। अब सिंपल सा हमको करना क्या है, वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद में ऊपर जो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए आप लोग। हमको जो हमने टाइटल लिखा है, अपना यही टाइटल है, इसी पर अपने वीडियो बनाया है। तो सिंपल सा हमको करना क्या है, इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस टाइटल को कॉपी करने के बाद में, यहाँ से कॉपी करने के बाद में हमको चले आना है अपने क्रोम पर। हमको क्रोम पर आना है और क्रोम पर आने के बाद में हमको क्रोम पर सर्च करना है रैपिड टैग, RAPIDTAGES। सिंपल सा हमको रैपिड टैग लिख के यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो ऊपर ही ऊपर जो वेबसाइट आएगी उस पर हमको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है यूज टैग जनरेटर, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, यहाँ पर क्लिक करना है। और जो हमने वहाँ से अपना टाइटल कॉपी किया था उस टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सिंपल सा यहाँ पर कर देना है सर्च। अब दोस्तों, ये देखो, ये पूरे के पूरे कीवर्ड आ गए हैं और नीचे हम ऑप्शन दे रखा है कॉपी टेक्स्ट। इन सारे कीवर्ड को हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब हमको यहाँ से इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में हमको वापस चले आना है अपने YT स्टूडियो पर। और YT स्टूडियो पर आने के बाद में हमको अपने जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इनको पेस्ट कर देना है। अब देखो दोस्तों, इनके बीच में जो एक कोमे लग रहे हैं, इन कोमों को हमको यहाँ से हटाना है। तो सिंपल सा मैं इनको हटा लेता हूँ यहाँ से। सारे के सारे जो भी कोमा लग रहे हैं, इन पूरे कोमा को हमको यहाँ से हटा। तो मैंने अपने जो भी यहाँ पर कोमा लग रहे थे इनको सबको मैंने हटा दिया है, साइड में कर दिया है। अब देखो हमको यहाँ से करना क्या है। अब यहाँ से हमको हमारे टाइटल के लिए यहाँ से हमको इसी पे से हमको हमारे 3 या 4 कीबोर्ड सेलेक्ट करने हैं जो ऊपर से दे रखे हैं, डिलीट फ़ोटो वापस कैसे लाएं। इसके अंदर से ही हमको अपना जो भी ये टाइटल है उसके लिए यहाँ से हमको चूज करना है। तो हम यहाँ से इन 3 कीबोर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने कर लिया है, इनको कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद में हमको क्या करना है, जो हमने टाइटल लिखा था इस टाइटल को हटा देना है यहाँ से। इसको हटाने के बाद में हमको जो हमारा ये हमने कॉपी किया है कीबोर्ड, इनको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इनको पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर कीबोर्ड की जो 100 की
वैल्यू है उसके अंदर ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमको यहाँ से इनको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। अब देखो हमारा यहाँ पर ये टाइटल थोड़ा लंबा हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा डिलीट किया है। अब इसके अंदर क्या है कि मैं थोड़ा सा जो छोटा कीबोर्ड है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैं एक कीबोर्ड और यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि हाउ टू रिकवर डिलीट फोटोज। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये थोड़ा छोटा है वहाँ पर सही रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ये भी थोड़ा लंबा है, तो और कोई कीबोर्ड देखते हैं हम उसको यहाँ पर पेस्ट। तो दोस्तों मैंने अपना ये जो टाइटल था उसको सेट कर लिया है। अब सिंपल से हमको क्या करना है, जो हमारा टाइटल है इस टाइटल को यहाँ से हमको कॉपी करना है। टाइटल को कॉपी करने के बाद में हमको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में हमको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लिखना है टाइटल अपना। तो थोड़ा सा हम स्पेस लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर हमको लिखना है टाइटल। टाइटल लगा के हमको यहाँ पर जो अपना टाइटल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा हमको लिखना है अबाउट 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 वीडियो के बारे में लिखना है हमको। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपने वीडियो के बारे में। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने वीडियो के बारे में लिख दिया है थोड़ा सा। अब हमको क्या करना है, ये जो अपने टाइटल हैं, ये जो हमने कीबोर्ड यहाँ पर लगाए थे रैपिड टैग से कॉपी करके, तो ये तो हमारे हिंदी वाले हो गए। अब हमको वहाँ पर सर्च करना है इंग्लिश के अंदर कि यदि कोई इंग्लिश के अंदर सर्च करे तो वो कैसे आए। तो हमको वापस क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद में इसको यहाँ से हमको हटा देना है, और हमको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। आपका जो भी टाइटल है जिस पर भी आपने वीडियो बनाया है वो लिख करके आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मेरा एक डिलीट फोटो वापस निकालने के से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू रिकवर डिलीट फोटोज फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पर मैं कर दूँगा सर्च, और यहाँ से इनको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में सीधा वही हमको अपने डिस्क्रिप्शन में आना है, उनको पेस्ट कर देना है, और वापस से हमको जो भी इसके अंदर ये कोमा लग रहे हैं इन कोमा को हटा देना है यहाँ से। चलो मैं जल्दी जल्दी से हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो मैंने ये हटा दिए हैं यहाँ से सारे के सारे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 4-5 एज टैग लगाने हैं, जैसे कि एज टैग रिकवर फोटोज, रिकवर फोटोज हो गया, एज गैलरी हो गया, एज डिलीट फोटोज हो गया, डिलीट फोटो रिकवर हो गया, और लगा देते हैं 4-5 इसी तरीके से। आपको भी आपका जिस भी टॉपिक पर वीडियो है उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर 4-5 एज टैग लगा देने हैं। देखो मैं यहाँ पर 4-5 एज टैग लगा देता हूँ। और आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एज टैग अपने जो चैनल है उस चैनल के नाम का यहाँ पर एज टैग लगाना है। जैसे कि मैं अपने लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने अपने जो चैनल है उसके नाम का एक एज टैग लगा दिया। तो सिंपल सा ये हमारा यहाँ से डिस्क्रिप्शन का काम तो पूरा हो जाता है। अब हमको क्या करना है, अब हमको जाना है टैग्स के अंदर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है यहाँ से हमारी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेना है जिस पर भी आपका वीडियो है।
मेरा जैसे कि मेरा है यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैंने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर रखा है। अब यहाँ पर हमको टैग लगाने हैं, तो टैग कहाँ से लगाने हैं, जो हमने ये यहाँ पर कॉपी किए थे इन्हीं को हमको यहाँ पर सीरियल वाइज वहाँ पर पेस्ट कर देना है, एक एक को यहाँ से कॉपी करके। यहाँ से जैसे कि मैं कॉपी करता हूँ और सिंपल सा यहाँ पर कर देता हूँ, मैं ये पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पर जो भी ये कीबोर्ड है, इनको सारे के सारे कीबोर्ड को वहाँ पर पेस्ट कर देना है। जितनी लिमिट हो उतने हमको यहाँ पर कीबोर्ड लगा देने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी इसी तरीके से पूरे के पूरे टैग लगा देने हैं यहाँ से, और मैं अपने लाइक के बटन को कर देता हूँ यहाँ से ऑफ, और सिंपल सा ये हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, विजिबिलिटी पर जाना है और यहाँ से हमको कर देना है पब्लिश वीडियो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों एक बार आप इस काम को करके देखना, आपके व्यूज बढ़ेंगे, ये मैं पक्का गारंटी के साथ में बोल देता हूँ। यदि आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपके व्यूज 100% बढ़ेंगे और आपकी वीडियो वायरल होने के पूरे चांस है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।